the one of the finest actors that I have worked with in my life. ये प्यार से काम होता है. दिल क्या करे जब किसी से इनकी आंखों में एक एक वंडर है. She's wonderful. I am. यानी वो पहली मुलाकात ऋतिक से बताइए, जब आपकी पहली मुलाकात रही सेट पर. सेट पर बिल्कुल ही आई थिंक पहली बार एक सेट पर ही मिले थे. एंड इससे पहले मैं ऋतिक से कभी सोशली नहीं मिली थी. एंड मैं बहुत नर्वस थी. I'm sure. बहुत ज्यादा नर्वस थी. और मैंने उनसे पहली बार मिलके भी यही बोला, हाय I'm nervous. So, and I said thank God because even I am nervous. So शुरुआत जो हुई वो एक was on the same page. Okay, दोनों nervous थे. और that nervousness एक अच्छा एक sign था, क्योंकि उसका मतलब ये था कि हम दोनों ने figure out कर लिया था कि ये जो film है ये एक मुश्किल film है, ये एक special film है. इसीलिए वी आर नर्वस बिकॉज हियर वी नो कि हम जानते हैं कि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है, एक चांस है टू डू समथिंग स्पेशल. शी इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स दैट आई हैव वर्क्ड विद इन माय लाइफ. आदमी का खुद पे भरोसा उसकी ताकत होती है. तुम और मैं हम कमजोर नहीं. दो नेगेटिव पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं? अंधेरा अंधेरे को रोशन तो नहीं कर सकता रूं. तो फिर साथ हम तुम चले. लेकिन अंधेरे में अगर किसी का साथ होना सो तो अंधेरा कम लग सकता है. ऐसा लग रहा है कि रियल लाइफ में भी दो नेगेटिव्स पॉजिटिव बनने जा रहे हैं. वर्किंग विद यामी मुझे आई वुड से इट हैज़ बीन एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि जो भी है ये कुछ कमाल की. इट्स शी व्हाटएवर शी डज इट सो ब्यूटीफुली. तो मेरा काम और भी आसान हो जाता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर यामी है तो एक सपोर्ट है, एक चांस है टू डू समथिंग स्पेशल. क्योंकि शी इज जस्ट स्पेशल. शी इज स्पॉन्टेनियस, courageous, fearless in exploring. So I just we had an adventure in this film, really, with this film. I'm not trying to match to Ritik, but I have to at least put in my best. क्योंकि मैं इन्हें काम करते हुए जब देखती हूँ या कोई भी जब देखता है, I'm sure they'll all agree with me. He just doesn't cease to stop learning. रिहर्सल, प्रैक्टिस, रीटेक जो शायद इनके लिए नहीं हो, मेरे लिए हो या किसी और डिपार्टमेंट के लिए हो, वो कभी घड़ी देखते ही नहीं है. एंड बहुत हमने और इतने प्यार से काम होता है. कोई प्रेशर नहीं है कि वो ऋतिक सेक्टर है एंड यू नो वी कांट मेक एनी मिस्टेक्स. कुछ नहीं. ही इज़ द फर्स्ट वन टू लाफ मे बी एट हिमसेल्फ कि लेट्स जस्ट मेक मिस्टेक्स. व्हाई इज स्केयर्ड? लोग डरते क्यों है यू नो टू मेक मिस्टेक्स? डोंट फील एनी काइंड ऑफ सच प्रेशर. तो जस्ट focus on the craft of it, on the love of it. Rest, don't worry. I'm just very glad that Yami has chosen Kabul. क्योंकि Yami के पहले हमें confusion था कि you know who will be the actor. So I really want to congratulate her and to tell her thank you for recognizing this script, because a lot of actors did not recognize कि इसमें special क्या था. So Yami, I think, has got a very, very good. She's a very intelligent girl. जितनी वो simple है, उतनी ही वो समझदार है और intelligent है. और I really feel that I think many years from now, not even many years from now, I think 2-3 years from now, I will be telling
people. ये choices के मामले में काबिल है. कि मैंने एक की थी उनके साथ. Oh God, this is too much. मुझे फिर ये सवाल तो करना पड़ेगा कि आपने ट्वीट किया था कि अब हमको सुपर हीरोज बनना चाहिए. तो क्रिश को मुझे ऐसा लगता है कि यामी आ रही है. आप अगर कंफर्म कर दे तो. यामी की जो ग्रोथ है वो मैं देख के मैं हैरान होता हूँ. नहीं रितिक, मैं चाहती हूँ आप बता दें कि अगर क्रिश को बनेगी तो क्या यामी ही हीरोइन बनने वाली है काबिल के बाद? वंडर वुमन. आई एम वंडर वुमन. She's Wonder Woman. So there's nothing that Hrithik Roshan can't pull off if he is convinced and if he believes in it. I remember even during Mon Amour, he was very unwell. We were just under the weather and everything. Aur do din ke andar gana shoot hua hai. Like all of you, even I had a lot of notions. Kya chahiye? So dance. Haan, aur Hrithik aur dance. Aur dono visually impaired. Ab Hrithik ke saath karna hai. And, and I was watching him. Of course, wo sab cheeze alag hai. But we were all watching him and he was very unwell. But the moment he comes in front of the camera, I'm like, that is the sparkle in his eyes and that those expressions and those everything. Kuch hum bhooli gaye ki he's not well. Jab cut hota tha, arre we all need to take care of Hrithik, but he's absolutely unaffected. You know, you do feel obviously for a co-actor if somebody's not well and you want to just comfort them. No, he's unaware, he's unaffected, and we shot this under 2 days. So, I don't know. 1.5 days. Whole song.